अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया में आप अपने दोस्तों के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू संभाग में एक मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला सामने आया है, जिसमें एक युवक लड़कियों की सोशल मीडिया आईडी से उनकी फोटोज डाउनलोड करता था और उसी के बाद उन फोटोज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉर्फ्ड कर देता था, यानी कि उन फोटोज को नॉर्मल पिक्चर्स को अश्लील फोटोज में तब्दील कर देता था और उसी के बाद वो व्यक्ति जो था उन तमाम लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। ये मामला जुलाई में सामने आया क्योंकि उधमपुर में जुलाई में एक लड़की ने रिटर्न कंप्लेंट दी पुलिस स्टेशन में और कहा कि देखिए मेरी कुछ तस्वीरें जो है उनको मॉर्फ्ड किया गया है और कुछ वेबसाइट्स पर मेरी मॉर्फ्ड तस्वीरें जो है वो शेयर कर दी गई है, जिसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कोई ना कोई युवक जो है वो कर रहा है। पुलिस जो थी वो जांच कर रही थी और पुलिस ने ये मामला सामने पाया कि देखिए वो युवक जो था जिस एक आईडी से जो हैकिंग कर रहा था, जिस एक आईडी से वो तस्वीरें जो था वो डाउनलोड कर रहा था, उस आईडी का आईपी एड्रेस जो था वो पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने ये पाया कि वो युवक जो था वो रामबन का रहने वाला है, पल्ली का रहने वाला है और वहां से रहते हुए वो युवक जो है वो जम्मू के गांधीनगर में किराए के मकान पर रहता है। आईपी एड्रेस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेसिंग में काफी ज्यादा मदद मिली, उस युवक को कल गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पर उधमपुर पुलिस की भी अगर हम कहें तो तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह के मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया और उधमपुर पुलिस ने ये कहा कि अगर एक युवती ऐसी हिम्मत दिखा सकती है तो बाकी लड़कियां क्यों नहीं। अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, आपकी नॉर्मल पिक्चर को मॉर्फ कर देता है, अश्लील तस्वीरें उसकी बना देता है, तो आप पुलिस स्टेशन तक जरूर पहुंचिए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ एक ही लड़की के साथ उसने ऐसा किया था या कुछ अन्य लड़कियां भी हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पुलिस ये जानकारी दे रही है कि उधमपुर पुलिस को जब ये शिकायत मिलती है जुलाई के महीने में कि युवती के साथ ऐसा हुआ है, तो उसके बाद जब इस तरह की जांच बिठाई जाती है, गंभीरता दिखाई जाती है और साइबर पुलिस की मदद से ट्रेसिंग की जाती है आईपी एड्रेस की, उसके बाद अब जब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो इस मामले की जानकारी जब सबको मिलती है तो बहुत सी लड़कियां सामने आ रही हैं और वो कह रही हैं कि देखिए इसने हमारे साथ भी ऐसा किया है, यानी कि रामबन का रहने वाला, पल्ली का रहने वाला एक युवक गांधीनगर में किराए के मकान पर रहता है और कल रात को उसको गांधीनगर में जिस मकान में वो रहता है वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला मामला है, जहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल जो है अच्छी चीजों के लिए किया जाता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वहीं अगर हम कहें इंटरनेट पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल के दुष्प्रभाव, डिसएडवांटेजेस भी नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही थी कि जिस तरह से डीप फेक के माध्यम से राश्मिका मंधाना की अगर हम बात करें तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले दी थी, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो सचिन तेंदुलकर की बेटी है उनकी भी शुभमन गिल के साथ एक मॉर्फ्ड पिक्चर जो थी वो सर्कुलेट हुई थी। और अब इसी तरह का मामला जम्मू में आता है, जहां पर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक लड़का आतुर हो जाता है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर जो लड़की जिसकी तस्वीरों को अश्लील तस्वीर बनाया जाता था वो उस युवक के मन मुताबिक काम नहीं करती थी तो उसको वो युवक ब्लैकमेल भी करता था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना एक खतरनाक रूप जो है अब दिखाना शुरू हो चुका है। अब ये हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू सुहान के।